गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज लेसन 6 एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. एक्वेटिक एनिमल आपको कहाँ मिलेंगे? ओशन में, सीज में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लेक्स में. ठीक है, तो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है, आपको उनका नाम बताना है. ठीक है, फर्स्ट इज आई हैव अ हेड लाइक अ हॉर्स. मेरा घोड़े के जैसा सर है. तो ये कौन है? सी हॉर्स. सेकेंड इज इफ़ यू कट माई आर्म्स न्यू वंस ग्रो. अगर आप मेरा हाथ काटोगे तो दूसरी उग जाएगी. ये कौन है? स्टार फिश. आई लुक लाइक अ स्नेक एंड हैव अ जॉ एंड टीथ. मैं स्नेक के जैसा दिखता हूँ लेकिन मेरे दांत होते हैं. तो ये कौन है? ईल. थर्ड. फोर्थ, आई स्विम विद फ्लिपर्स एंड ईट फिश. मैं स्विम कर सकता हूँ और मछली खाता हूँ. तो मैं कौन हूँ? सील. नेक्स्ट इज आई एम अ टाइप ऑफ फिश दैट डजेंट हैव रियल बोन्स. आई एम मेड ऑफ कार्टिलेज. में मेरे अंदर हड्डियाँ नहीं होती. ठीक है, मैं कार्टिलेज से बनी हूँ. मैं कौन हूँ? शार्क. आई कैन स्क्वर्ट आउट ब्लैक इंक टू कन्फ्यूज एनिमीज व्हेन आई एम इन डेंजर. जब मुझे खतरा होता है तो मैं अपने दुश्मनों को कन्फ्यूज करने के लिए ब्लैक इंक फेंक सकती हूँ. ये कौन है? इट इज स्क्विड. ठीक है, कहाँ है ये? सिक्स. आई एम अ ह्यूज मैमल दैट स्विम्स इन द ओशंस. आई ब्रीद एयर थ्रू ब्लो होल्स. ठीक है, मैं बहुत बड़ा मैमल हूँ जो स्विम कर सकता है ओशन में. ठीक है, मैं ब्लो होल्स के थ्रू एयर ब्रीथ करती हूँ. तो मैं कौन हूँ? वेल. ठीक है, लास्ट आई एम अ हार्ड शेल्ड एनिमल दैट वॉक्स अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द सी. ठीक है, मैं एक हार्ड शेल्ड एनिमल हूँ जो सी के बॉटम तक जा सकता हूँ. तो ये कौन है? ये आपका हो गया लॉबस्टर. ठीक है, नाउ लेसन 7 एनिमल वर्ल्ड. मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, आर्कनिड्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल हैं, तो हमें इन्हें पहचानना है और इनका नाम लिखना है. ठीक है, फर्स्ट इज डैश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड टोड्स. ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनका खून ठंडा होता है. ठीक है, फ्रॉग्स और टॉट्स की तरह. दे लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड. ठीक है, ये पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं. तो ये कौन है? दे आर एम्फीबियंस. ठीक है, एम्फीबियंस. सेकेंड इज डैश हैव फैदर्स अ बीक विद नो टीथ एंड जनरली ले एग. ठीक है, ये एक ऐसा बर्ड है, ठीक है, जिसके फैदर्स होते हैं, चोच होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी दांत नहीं होते और ये अंडे देते हैं. तो ये कौन है? दीज आर बर्ड्स. बर्ड्स भी एनिमल होते हैं. ठीक है, थर्ड इज डैश द बॉडी ऑफ द एनिमल आर डिवाइडेड इनटू हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन. थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, कंपाउंड आइज एंड वन पेयर ऑफ एंटीना. ठीक है, इनमें कौन कौन क्या क्या होते हैं? इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थ्रॉक्स और एब्डोमेन. ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मतलब टोटल छह लेग्स होते हैं. ठीक है, कंपाउंड आइज होती है और एक पेयर ऑफ एंटीना. ठीक है, दो एंटीना होते हैं. तो ये कौन है? दीज आर इंसेक्ट्स. फोर्थ इज डैश गिव बर्थ टू यंग वंस. दे आर वर्टीब्राट्स एंड यूज लंग टू ब्रीथ. ठीक है, ये अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं और ये लंग से ब्रीथ करते हैं. ये कौन है? दीज आर मैमल्स. फिफ्थ इज डैश आर एनिमल्स दैट कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स. ठीक है, ये कैसे एनिमल होते हैं? ठीक है, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, और इनकी बॉडी में बहुत सारे धारियाँ होती है. तो ये कौन है? दीज आर रेप्टाइल्स. एंड नेक्स्ट इज डैश आर एनिमल्स दैट हैव फोर पेयर ऑफ लेग्स एंड नो जॉज. ठीक है, इनके फोर पेयर मतलब टोटल आठ पैर होते हैं और इनके मुंह में जॉ नहीं होता. तो ये कौन होते हैं? लास्ट का बचा आर्कनिड्स. ठीक है,
अरैकनिड्स, ठीक है।